अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अना जवाद। हाउ आर यू ऑल? और ये जो है ट्रैवल लॉग पार्ट टू है। हम लोग गए थे दुबई गार्डन ग्लो और ये जवाद जो है वो इस पार्क की एंट्रेंस की वीडियो ले रहे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि हमने डायनासोर्स देखने हैं। यहाँ बेसिकली 4 पार्क्स हैं। हम एंटर होने जा रहे थे मैजिकल पार्क में और बच्चे जो हैं वो रास्ते में रुक गए और उनको डक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और खुश हो रहे थे डक्स को देख के। लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त थी यहाँ पे एंट्रेंस पे। नाउ वी हैव एंटर्ड इन मैजिकल पार्क और यहाँ पे जो है वो छोटी छोटी सी मैजिकल इल्यूजन्स बनाई गई थी और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अंदर कोई मैजिकल शो वगैरह हो रहा होगा, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। बस ये छोटे छोटे से रूम्स बनाए हुए थे। यहाँ पे अनाबिया जो है वो स्पाइडर्स को देख रही थी और उनको उसको लग रहा था कि ये सब जो है रियल है। यहाँ पे अब्दुल रहमान जो है वो लाइन को हाथ लगा रहा था, वो समझ रहा था कि ये रियल लाइन है और वाकई में ये सब कुछ रियल लग रहा था। ये सारी पिक्चर्स जो थी वो 3D पिक्चर्स थी। और अब हम आ गए हैं स्टेयर्स रूम में और ये 3D स्टेयर्स थी और लग रहा था कि जैसे बिल्कुल रियल स्टेयर्स होती हैं। यहाँ पे अभी आपको जवाब चढ़ के दिखाएंगे और ऐसा लग रहा है कि वाकई जो है वो स्टेयर्स पे चल रहे हैं ऊपर। बस फिर हम लोग जो हैं वो डायनासोर पार्क चले गए थे और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो डायनासोर्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और हैरान हो रहे थे और उनको लग रहा था कि सब रियल हैं और इनकी आवाज़ें भी जो हैं वो बैकग्राउंड में चल रही थी और ये हिल भी रहे थे बाकायदा। तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग डायनासोर वर्ल्ड में आ गए। अच्छा जी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हम लोग जिसकी वजह से जो है सिर्फ 2 ही पार्क दिख सके थे, मैजिक पार्क और डायनासोर पार्क। और आर्ट पार्क तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखा था और ग्लो पार्क जो है बस थोड़ा सा ही घूमे थे क्योंकि दुबई का जो वेदर है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे भी फिर आखिर में बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे क्योंकि वो भी गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। तो आप सबको मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने अगर ये पार्क विजिट करना है तो आप लोग विंटर में आए।
और बस फिर हम लोग ग्लो पार्क चले गए थे। और ये सारी जो लाइट्स हैं ये एलईडी लाइट्स हैं और ये सोलर सिस्टम पे चलती हैं और बहुत अच्छा व्यू था इसका सारा रात में। और बहुत हर चीज़ जो है वो पार्क में ग्लो कर रही थी, इसलिए इसका नाम ग्लो पार्क रखा गया है। और बस ये था हमारा आज का व्लॉग। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।